यूपी के मुजफ्फरनगर में आज होगी किसानों की महापंचायत। मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में लाखों किसानों के आने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, देश भर के 300 से अधिक किसान संगठन महापंचायत में शामिल होंगे। किसानों के लिए 500 लंगर में लगातार खाना बन रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर से। रात भर उनकी रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई। जितेंद्र, कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा? और पहला सवाल तो यही कि दिल्ली में ऐसा क्या नहीं हो पाया जो उत्तर प्रदेश में आकर शक्ति प्रदर्शन करना है यूपी चुनावों से ठीक पहले? बिल्कुल शुभांकर, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि कोई आधिकारिक समय नहीं दिया गया है, क्योंकि 10 से 11 के बीच का बोला गया है। लेकिन ये निर्भर इस बात पे करता है कि जो संख्या का दावा किसान संगठन की ओर से किया गया है वो कब तक इकट्ठी होती है। एक बार अमित को रुका के दिखाएं थोड़ा सा। अभी की बात करें तो किसानों का आने का सिलसिला जारी है, लेकिन अगर पूरा हम देखें तो अब तक तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीबन जो किसान हैं वही जुट पाए हैं, जबकि जो किसान संगठनों का दावा था कि कई लाख, बल्कि कहा जा रहा था कि 7 लाख तक के जो किसान हैं वो यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि अलग अलग जगह से आजुर रहे, तो अभी इंतजार यही किया जा रहा है और संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि राकेश टिकैत जो है वो भी 11 बजे के आसपास जो है मंच पर पहुंचने की उनकी संभावना है। उनके बाद ही ये पूरी पंचायत शुरू होगी। और आपने जो पूछा कि क्या ज़रूरत पड़ी, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जब जब किसान आंदोलन जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता नज़र आया, ऐसे आयोजन किए गए हैं। और किसान मोर्चा की तरफ से तो कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18 ऐसे पंच जो हैं वहाँ पंचायतें की जाएंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।